अभी हम लोग राजगीर जू सफारी में एंट्री कर चुके, जो अभी नया नया ओपनिंग हुआ है। और अभी यहाँ टिकट काउंटर है, तो मेरे फ्रेंड्स गए टिकट लेने के लिए। यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग उधर जाएंगे। ये काफी बड़ा स्पेस में इसका ओपनिंग किया गया है। ये अभी इसका ओपन हुए 2 मंथ हो रहा है, तो हम यहाँ आए इसको एक्सप्लोर करने। चलिए, सो फ्रेंड हमने टिकट ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। यहाँ का रूल तो अभी हमें पता नहीं है, देखते हैं क्या है। जैसा कि हमें पता चला है कि आगे जाना है, फिर गाड़ी आएगी जो हमें पूरा यहाँ का टूर करवाएगी, तो इस तरह चलिए चलते हैं। ये जो आप लुक देख रहे हैं यहाँ का, जैसे आप इन कीजिएगा इसके अंदर, तो आपको इस टाइप का लुक देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये काफी बड़ा स्पेस में खोला गया है। एक्चुअल में आज काफी धूप है, बट आपसे रिक्वेस्ट, आप जब भी आइएगा बरसात के मौसम में आइएगा, तो यहाँ का जो व्यू है काफी औसम रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ का जो फ्रेंड सिक्योरिटी है काफी अलर्ट है, आप देख सकते हैं बहुत सारे चेकिंग पोस्ट यहाँ लगाए गए हैं। यहाँ का लुक देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है, लग रहा है कि हम कोई एयरपोर्ट आए हैं। वैसे तो हमारा यहाँ फर्स्ट टाइम है यहाँ का। सो फ्रेंड्स हमने पूरा चेकिंग पोस्ट को पार करते हुए अभी हम लोग यहाँ आए, बट यहाँ आने के बाद वो पानी भर रहा है मेरा फ्रेंड। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो सिक्योरिटी है कितना टाइट है। यहाँ पे अभी हम लोग अभी तक टोटल 4 लेवल को क्रॉस किए हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं अभी हमें इसे पार करते हुए पूरा जाना है। आज धूप काफी है, भाई पानी लेके आ गए, चलिए अब चलते हैं। व्यू देखिए और स्पेस देखिए कितना बड़ा है। प्लीज कुछ बताने समझेगा, आप लोग जब वहाँ से प्रेयर रिटर्न हो जाएंगे तो प्लीज ये टिकट से इस कमरे में 3D थिएटर 180 डिग्री पे है, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। और वो टीवी दिखाई दे रही दीवार पे, जस्ट उसके अंदर वाली कमरे में म्यूजियम है। हमारे जो भी एनिमल्स अवेलेबल है उनका स्टैचू बनाया गया है, वो भी बेहतरीन और ब्यूटीफुल है, वो भी देख सकते हैं वापस होने के बाद में। सो अभी आगे जाकर राइट लेंगे, बस आपको इंतजार करिए। प्लीज थैंक यू, बस अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। थैंक यू जी भैया ने, थैंक यू भैया। और सुपर हो क्या जी? कोई भैया ने काफी अच्छा हमें यहाँ का डिटेल दिया। चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि जितना Research with 2.1 चैनल का नेम Research with 21 क्या? Research with 21 हम गाड़ी लग चुकी है, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी की देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ी लगी है। सो फ्रेंड आप जैसे नेचर सफारी के अंदर एंट्री कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको ये जो टिकट देख रहे हैं ये यहाँ 100 रुपीज का ये एंट्री टिकट है। और इसके बाद जो हमारा ये वाला है, ये हमारा नेचर सफारी का, इसका चार्ज है 150। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हैं, तो यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं मुर्गा जानवर की सफाई रेडी है। दिख रहा सर? तो गाड़ी बढ़ाई है, झाड़ी के पास रुक दिख रहा है पूरा क्लियर सर? सलमान खान का सबसे बड़ा बिलर कहाँ? ये सलमान खान को कोर्ट तक ले गया ब्लैक बग। दिख रहा सर? हाँ दिख रहा। दिख जाएगा? हाँ आपको दिख गया। गीत लाया हुआ है? गीत से वो भी उठ के चला जाएगा जंगल में, बीच जंगल में बैठ जाएगा, तो जैसे भालू ने दिखा भी नहीं दिखेगा अगला बस वाले को। मैं
मैंने बताया टाइगर को लॉटरी होता है क्योंकि एक जंगल में अकेले रहना पसंद करता है। तो फीमेल के तो फीमेल रह सकती, फीमेल के बच्चे रह सकते सर, लेकिन जो मेल होते हैं सर उनके वो अकेले रहना पसंद करते हैं। यहाँ अकेले रहने की जगह अपने बच्चों को भी मार देते बचपन में, जो कि मेरा जंगल में राज में छीन ले, ऐसा करता है लोग। पहले से ये मत सोचिए सर, दिख जाता दो में से एक दिख जाते हैं। जैसे सर ने बताया कि लेपर जो क्रॉस कर जाते हैं बिजली फैमिली में, चलिए देखते इसको खोजते सब के मन। तो फ्रेंड्स, हमने जंगल सफारी घूम लिया है, अब जाते हैं इसके म्यूजियम की तरफ। थोड़ा काफी धूप है और आपसे रिक्वेस्ट है कि गर्मी के सीजन में कभी मत आइएगा। अभी हमें फिर लंबा ट्रैवलिंग करके जाना होगा अपने गेट पे, फिर वहां हमारे टांगा वाले वेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड, जैसे आप राजगीर जू सफारी विजिट कर लीजिएगा, उसके बाद एक म्यूजियम है काफी जबरदस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने बैक साइड देख सकते हैं। तो आप जब भी अगर राजगीर जू सफारी आ रहे हो तो एक बार ये म्यूजियम में जरूर विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए मैं आपको इसका सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप यहाँ का इंटरनल व्यू देख सकते हैं। आप जैसे ही अंदर इन कीजिएगा, आपको जंगल सफारी घूमने के बाद एक म्यूजियम लेके जाया जाएगा, उसके बाद आप एक थिएटर हॉल में जाएंगे, तो उसका रास्ता यहीं से है। आप देख सकते हैं क्या ऑसम लुक दिया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे और मैं आपको आप पीछे का लुक देख सकते बैक का भी। चलिए देखिए व्यू देख सकते आप, वहाँ पे मेरे टीम मेंबर बैठे हुए, अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। चलिए एंजॉय करते हैं। आप पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं। क्यों, यकीन नहीं होता ना।